कोविड-19 वैश्विक महामारी में लोगों के अंदर कोरोना के प्रति चेतना जागृत कर मास्क लगाने और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान गोलघर के गणेश चौराहा, काली मंदिर, विजय चौक, अग्रसेन रहा होते हुए जटेपुर पुलिस चौकी तक फ्लैग मार्च कर दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ साथ बिना मास्क और बिना हेलमेट लगाए घूम रहे लोगों को चेतावनी भी दी गई। इस दौरान सीओ कैंट सुमित शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, शटर के अंदर ये सामान रख के बेचे, शटर के अंदर कोई सामान नहीं रहेगा। ऊपर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अपना नाक मुंह ढक के रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। पैदल गाड़ी का सिर्फ पैदल जी, ये लगातार रोज फुट पेट्रोलिंग की जा रही है सभी अफसरों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग रास्तों पर, जिससे कि लोगों में चेतना लाई जा सके और कोरोना के प्रति लोगों को मास्क लगाने के लिए, लॉकडाउन उल्लंघन के लिए जो है उनको मना किया जा सके और साथ ही साथ सुरक्षा की भावना भी जो है जागृत की जा सके। शहर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अफसरों और सभी तरह के लेवल्स द्वारा अलग अलग समय पर लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। आम जनमानस से कुछ अपील भी करना चाहिए? बिल्कुल, आम जनमानस से यही अपील है कि लॉकडाउन का अभी चल रहा है समय, जो रात में निषेधाज्ञा है और जो हमारे शहर में बारी बारी से दुकान खोलने की है, वो केवल इसीलिए है कि भीड़ भाड़ कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी उतना कोरोना फैलता है। तो वायरस ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए जो भी कदम है, बार बार हाथ धोना है, बार बार अपना मास्क बदलना है, मास्क लगा के रखना है सार्वजनिक प्लेसेस पे, और सबसे जो ज़रूरी बात है वो यही है कि अपने आप को वायरस से बचाते हुए अपने सारे काम करने और अनावश्यक घरों से बाहर मत निकलें।